अस्सलाम वालेकुम, राधे की किचन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बनाएंगे राधे की किचन में गर्मियों का स्पेशल कच्चे कैरी का शरबत। आप लोग जब भी बाजार जाकर आते हैं या कहीं से भी थककर आते हैं तो ये गर्मी में आप लोग अगर ये शरबत बना के रखते हैं तो आप लोग इसको एक दो चम्मच डालकर पानी में, ठंडे पानी में पीने से आपको तो राहत होगी। तो चलते हैं हम लोग कच्ची कैरी का शरबत बनाने की तरफ। यहाँ पर ली हूँ मैं 600 ग्राम कैरी, जिसको मैंने धोकर अच्छे से पोंछ कर रखी हूँ सूखी, और दो नींबू लेंगे और 600 ग्राम ही शक्कर ली हूँ। ठीक है, अगर आपके पास मिश्री है तो आप लोग वो धागे वाली मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच भर के लेंगे जीरा पाउडर भुना कूटा हुआ, आधा छोटा चम्मच लेंगे ब्लैक सॉल्ट लेंगे, आधा चम्मच ही लेंगे वाइट वाला सॉल्ट, और थोड़ा कलर है, ये ऑप्शनल है, थोड़ा बाजार जैसा बनाने के लिए मैंने ली हूँ, और आधा चम्मच लेंगे काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लेंगे चाट मसाला पाउडर, दो मुट्ठी भर के लेंगे पुदीने के पत्ते, इसको अच्छे से सोक कर लेंगे पोंछ के। तो इस तरह से कैरी के छिलके को निकाल लेंगे अच्छे से, सभी कैरी के छिलके मैं आपको निकाल के बताती हूँ। तो इस तरह से जैसे मैं छील ली हूँ इसी तरह से आप लोग भी छील लेना, और छील कर इसमें ऐसे 3 से 4 कट लगा लेना। अब इसमें 1.5 कप जितना पानी डाल देंगे, अब इसको बंद करके 3 से 4 सीटी देंगे ताकि हमारा कैरी का पल्प अच्छे से निकल जाए। अभी अच्छे से हो गया है, पल्प पूरा निकल रहा है, तो मैं चम्मच से पूरा पल्प निकाल के मिक्सर में पीस के बताती हूँ आपको। तो इस तरह से पूरा पल्प मैंने निकाल ली हूँ कैरी का, तो अब इसको मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 मुट्ठी भर के पुदीना, अच्छे से धो के सुखा लेंगे फिर पीसेंगे इसमें डाल के। अब इसको मैं अच्छे से मिक्सर में पीस के दिखाती हूँ। इस तरह से बारीक फाइन वाला पेस्ट पीस के लेंगे, बहुत अच्छा हमारा एकदम फाइन हो गया कैरी और पुदीने का एकदम फाइन पेस्ट हमारा पीस चुका है। अब चलते हैं शुगर सिरप बनाने की तरफ। अब यहाँ पर मैं 600 ग्राम कैरी ली हूँ तो 600 ग्राम शक्कर भी ली हूँ, एक प्याला भर के पानी डाल देंगे। शक्कर अच्छे से पिघलने तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शक्कर अच्छे से घुल चुकी है, ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं और ना ही तार वाली चाशनी बनाना है हमको। अब डाल देंगे इसमें कैरी वाला पल्प जो हम लोग ने पीस कर रखे हैं, गैस को स्लो करेंगे और उसको डाल देंगे पूरा। अब अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे इसको 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ पर अच्छे से हमारा कैरी और शुगर अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और वाइट वाला नमक, सभी डाल के अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट इसको पका लेंगे। पुदीना और जीरा डालने से गर्मी में हमारे पेट के लिए ठंडाई का काम करती है, इसलिए इस डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोग फ्रीज करके रखते हो तो आपका पूरा साल भर चलेगा, अगर नहीं तो 3 से 4 महीना ये बाहर रख कर भी आराम से आप इसको शरबत बनाकर पी सकते। तो यहाँ पर अच्छे से पक चुका है 3 से 4 मिनट और मैंने पका ली इसको। अभी ये थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसमें नींबू का रस डालकर आपको बताती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन वाला कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। कैरी का जूस ठंडा हो चुका है थोड़ा से, अब इसमें डाल देंगे हम लोग नींबू। ये इसलिए डालते हैं कि ताकि वो क्रिस्टल ना बने, इसलिए शक्कर की वजह से डालना पड़ता है। ठंडे में ही डालना नहीं तो कड़वा हो जाएगा गर्म में डालने से। अब मैं आपको ग्लास में निकाल कर बताती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से हमारा कैरी का जूस अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको गिलास में डाल के आपको सर्व करके बताती हूँ। ये और गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा ठंडा होने से। अब सबसे पहले डाल देंगे 4 से 5 बर्फ के पीस कैरी का जूस। अब डाल देंगे इसमें ठंडा पानी। एक गिलास में डाल देंगे सब्जी की बीन जिसको मैंने भिगा के रखी थी। आप लोग इस तरह से भी पी सकते हैं बनाकर, सादा भी आप लोग पी सकते हैं। ठीक है, थीके?
तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर कोई और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।